pills pop, I let the weed smoke. Sometimes just talking does not make the pain go. Tu hi aag, tu hi us pe padti barish. Main wo khali haveli jiski tu akeli waris. I am one of the biggest YouTuber of Pakistan. Pucha kisi ne? Hey, what's up guys? We are back with another. तो यार मैं वापस आया हूँ बड़े ही जल्दी. चलो जब एक दिन के नहीं बाद, बड़े दिन को लगा दे भाई मैच, एक दिन के बाद नहीं एक हफ्ते के बाद पहला पार्ट बना रहा हूँ एजेंट का. पूछा किसी ने? और वो एजेंट कौन सा है फरमाइए डीमन साहब. कायो. कायो नहीं पैं के हो गया वो ओए दे बीच लोक है गया. और नहीं हूँ मैनू हूँ आईडी चेंज करनी पड़ेगी यार. आईडियां चेंज हो गई हैं इसमें दोनों के पास. क्या है यार ये के ओ है कायो है जो पता नहीं जो भी है. हमने तो वैसे इसकी बेइज्जती कर दी है यार. इतना प्यारा एजेंट ऊपर से मेरी एंट्री में आऊ आऊ करके वादे आ रही है फजूल में डरा रहा. देखो ये वही वाली आईडिया जो हैवी ड्राइवर बन के मैंने जिसमें एजेंट अनलॉक किया था समझ रहे हो. तो यार हम दोनों होंगे के ओ कायो जो भी है इसका नाम. मुझे तो के ओ लगता है यार. देखो के आगे हो कोई सेंस है इस बात की? ये भाई ये के ओ हम इसको के ओ इथोस की बैंड की हम के ओ कहेंगे. के ओ इसकी भी कोई बैंड है के ओ है के वो जो टेकन 3 वाला सा ना वो वाला. ओए इतने इतने ज्यादा एफपीएस आ रहे हैं मेरे. एफपीएस ऐसे अनलॉक करता है बीस्ट कसम से. ज्यादा पता नहीं उसका पीसी है क्या यार. तो सबसे पहले इसकी जो डिफॉल्ट एबिलिटी जो मुफ्त में मिलती है वो नाइफ है. ये करेक्टर अपने साथ एक नाइफ भी देता है. चेक कर रहे हो लोग नाइफ लेने के लिए अपने गुर्दे भेज देते हैं लेकिन ये करेक्टर ही आपको नाइफ देता है. तो ये नाइफ जगह किसी की गांड में मारो ना. ये देखो नदीम से लिए लेंगे. तू पीछे खड़ा हो इसके. देखो अभी ये डब्बे के पीछे है मैंने इसको नाइफ मारा. ये जितना एरिया है ना उसके बीच में ना सप्रेस्ड हो गए अपन. अब वो कैसे हुआ है तो डीमन साहब हमें भी मारो पीछे जाके. इधर क्यों आ रहे हो? काम है तुम्हारा इधर मारो. अब ये देखो अब मैं यहाँ पे कोई एबिलिटी नहीं यूज कर सकता. चाहे मैं रेज हूँ रेज की अल्ट भी हो ना तो वो भी नहीं यूज हो सकती. सही है. तो कितने सेकंड का था दोबारा मारो सर? 8 सेकंड का होता है. 8 सेकंड का मतलब 8 सेकंड के लिए आपको बवासीर आपको लकवा आपको कोरोना आपको वो पोलियो सब कुछ हो जाता है यार. टाइम तो रोको यार क्या बहन का. तो यार अब दूसरी एबिलिटी है जो आपको खरीदनी पड़ती है. सही है जो डीमन नहीं खरीदता ये है फ्लैश. मैं टीम की वजह से नहीं खरीदता. और ये फ्लैश नॉर्मल फ्लैश नहीं है कि फेंकोगे तो फट जाएगा ना. ये ठप्पा मार के फटेगा. देखो लोग को योरू को भी इसलिए लेते थे कि उसके पास पोपो फ्लैश है इसके पास. देख समझ रहे हैं आप ऐसे समझ रहे हैं आप. ये हमारा ओपी करेक्टर. इसके फ्लैशेज कितनी देर के लिए फ्रेश रहता है यार बंदा सही इतना. फिर को मतलब उसका ऐसे गंदा फ्लैश है इसका यार. फिर इसमें आ जाती है एक सी वाली एबिलिटी. मैं ट्राई करके दिखा तू इधर आओ. हाँ ये सी वाला करें ऐसे ही ऐसे ही भी लाइनर नहीं बताने किसी को मैप नहीं पता. ऐसी गंदी मोली है ना ये. बता आर्मर पहनी हो डिमन? आर्मर पहन आर्मर. दिखाना भी तो पड़ता है ना. बहुत तेज हो रहा है. बहुत तेज हो रहा साल. ऑटो रिस्पॉन हम कर कहना चाहते कि कुछ भी दिखाया जा सकता है. तो भाई अब इसकी आ जाती है अल्टीमेट सुपर एबिलिटी जो होती है ना. मैं बी जा रहा हूँ तो एबिलिटी अपनी अल्ट मार. मैं देख लूँ कहाँ तक आता है उसका वो जो गंद होता है. मार जरा भाई आधा मैप तो ऐसे ही खींच लेता है. देखो अभी एबिलिटीज में यूज नहीं कर पाऊंगा अपनी. ये काफी देर तक काफी कितनी देर ये कितने टाइम कितनी देर का होता है ये 6 या 7 ज्यादा टाइम का होता है. अच्छा अगर मैं इसको मार भी दूँ ना इसकी एबिलिटी में तो इसको जेट रिवाइव कर सकती है. जेट नहीं कोई भी करैक्टर रिवाइव. हाँ तो इसको कोई भी करैक्टर ना मार यार जी. अच्छा इसके अंदर तो मेरी नाइफ बड़ी गंदी है.
आए मैं जीत गया। अच्छा छोड़ो भाई, देखो अब सारी एबिलिटीज हमने बता दी है, लेकिन अब कुछ लाइनें पे जो डीमन ना बताना चाहता है, इसने पता नहीं यूट्यूब से सीखी है कॉम्पी के बीच में ना मोबाइल पे देख के। सही है, दिखाओ डीमन साहब जरा लाइन अप थोड़े से। ए पे पहुंचते हैं भाई। मेरा स्पाइक रह गया, मैं स्पाइक लेके आया अपना। रुको, अच्छा स्पाइक भी लाना जरूरी है इसके। चलो प्लांट करके शश के दिखाएंगे ना तुम्हें भाई। तो लाइन अप क्या है इसका भी देखते हैं। मुझे वापस जाने दे जब मैं कहूं डिफ्यूज मार। ये क्या, वो तुझे बता के थोड़ी आएंगे। अरे नहीं ना, मैं प्लांट करके वापस जाने का टाइम तो होएगा ना। हां चल बता, मारूं डिफ्यूज कर ले। ओए हराम खोर, मैंने तो तेरे पे ये फेंका था, तूने कैसे मार दिया। क्या लाइनअप है भाई, और किसी चीज का लाइनअप है तो यार। फ्लैशेस का ये सीन है, देखो जैसे आप एंट्री कर रहे हो ना यार, एंट्री कर रहे हो सिंपल। ये देखो ये फ्लैश फेंक दिया, ये पूरा एरिया फ्लैश है। सही है, वहां तक बम पड़ गई, बम पड़ गई। तो यार अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है, पाइन एबिलिटीज तो बता दी लेकिन क्या फायदा हुआ इसका। तो यार देखो, तुम्हें एबिलिटीज का पता कैसे लगना था, बता दी है ना, एहसान किया हमने बता के। तो भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। तो यार अगर आपके ऊपर रश हो रहा है, सिंपल क्लोज ऐसे जाओ, आ जरा रश कर शॉर्ट से। ये देखो राइट क्लिक करो, इसके फ्लैश देखो, अब जब राइट क्लिक से फेंकोगे तो क्लोज रेंज फेंका, ऐसे फ्लैश फेंको। फ्लैश हुए तुम कि नहीं हुए भाई? देखो समझ रहे हो, ये देखो जब आप पे रश हो रहा हो तो ये करेक्टर, ये नहीं कि सिर्फ अटैकिंग में मजे देगा ना, 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 ना। डिफेंडिंग में भी मजा आएगा आप। हाँ लेकिन इसका जो डंडा अगर आप फेंक दोगे तो वो फ्लैश करने से, हर चीज करने से कासिर हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट। हाय हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग, मतलब एक बंदे को तो ट्रैप ही करके रख देगा ये, और इतनी देर में प्लांट भी हो चुका होता है। वैसे हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये एजेंट कुछ भी कर सकता है। एक सबसे मेन चीज बताना मैं भूल गया था कि ये जो ये फेंकता है ना नाइफ, इसको हम तोड़ सकते हैं। जरा नाइफ फेंक जमीन पे, ये देखो उसको कुछ भी नहीं हुआ। दोबारा फेंकूंगा, दोबारा तोड़ देख, जैसे ही आपकी तरफ आ रहा हूँ ना ठप्पा, ये देखो ये दीवार पे फेंक दूंगा ये तो। अब तोड़ दोगे उसको कुछ भी नहीं होगा। अरे मोली का क्या क्या सीन है, मोली टूटती है, मोली नहीं टूटती और फ्लैश टूटता है। चलो ट्राई करो, वहीं फेंक रहा हूं इस पे, एल पे। ये बेंच मेरे पे ना कर दी भाई, टूटती है। पाँव में फेंक रहा हूं, पाँव में फेंक रहा हूं। अच्छा अब फ्लैश चेक करो, फ्लैश फ्लैश चेक करो, फ्लैश उड़ा उड़ा नहीं, फ्लैश भी नहीं टूटता भाई, ठीक हो गया। बस ये जो नाइफ फेंकता है ना इतना महंगे वाला, ये टूट जाता है बस, बाकी और कुछ नहीं टूटता। सबसे मेन चीज यही बताना थी, यही भूल गया मैं वही बताना कि भाई फ्लैश तोड़ना, और फ्लैश कह रूं इसका ये जो नाइफ है ये तोड़ना जरूरी है। अगर नहीं तोड़ोगे तो भाई तुम भी ऐसे पोलियो के मरीज हो जाओगे। लेकिन अगर आप आपके पास गोस्ट मोड हो तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। आसमां को छू लूं तिने पल उड़ू, शक्तिमान। ओ यार ये चाकू के अंदर ना बड़ी ज्यादा खूबियां हैं, ये मेरे ख्याल से शमीर बादशाह का भाई है, मल्टी टैलेंटेड। ये बंदे पे चिमड़ भी जाता है, ये देखो बंदा कैसे तोड़ेगा आप पे ये चिमड़ जे। अच्छा मेरी गन पे मार, गन पे इधर आ, सबर कर, सामने से मारना ताकि तोड़ू। मार दरा, अच्छा ऐसे फेंक मेरे पे फेंक। गन पे लग गया था, सबर कर। अच्छा जब ये आपकी तरफ आ रहा हो ना, आपके मुंह पे आ रहा हो तो इसके अन्य बार गोलियां चला दियो। तो ये भाई अगर किसी पे चिमड़ जाए ना तो उसको लकवा हो जाएगा, तो उससे बच के रहना, चिमड़ने भी नहीं देना। जरा सोवा का डार्ट है सेम वैसे ही काम करता है, आपके लोकेशन भी रिवील कर देता है। अच्छा और एक और चीज जैसे अगर यहाँ तक कितने बंदे रश कर रहे हैं आपको कैसे पता लगेगा, जरा शॉर्ट से रश करो। देखो अब तुम छुपे हुए हो, तुमने देखना बंदे आ रहे हैं कि नहीं। तुम यहाँ पे ये फेंको, ये लेफ्ट में आ रहा है आपको, यहाँ पे पता लग जाएगा कितने बंदे सप्रेस्ड हुए हैं।
जितने सप्रेस्ड हुए हैं वो आपके एरिए में है। हो सकता है उसके पीछे भी बंदे हो, जरूरी ये नहीं है कि भाई ये पूरा आपको पूरा मैप क्लियर कर देगा। इस तरह ही एक एरिया होता है, उसमें जितने बंदे होंगे ना उनकी एबिलिटीज, जैसे आप कहीं रश कर रहे हो वहाँ पे खिलजे बैठी है अपने चमूने फेंक के, तो खिलजे बाजी को कहो तू मेरा पुत्र छुट्टी का, उस पे ये फेंको। उसकी हर चीज डिसेबल हो जाएगी, उसके वो अलार्म बोर्ड पे हो जाएगा ना, अलार्म बोर्ड और उसके सोम नैनो सोम भी नहीं चलेंगे। हाँ साइफर की क्या नाम है वायर सब कुछ, हर चीज हर किस्म की एबिलिटी में फिर सिर्फ गन गेम हो जाएगी। पिंग देखो, एक ही वीडियो देखो, एम श्राउड से बड़ा हो जाएगा। हाँ अच्छा हो जाएगा, श्राउड से बड़ा 9 इंच का। तो भाई पिंग और ये एफपीएस देख सकते हो आप, ये तो हालात हैं। फिर लोग कहते हैं तुम ब्रोंज में कुछ स्टक हो। वतनाते बल्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। ओ नाइस नाइस, जबरदस्त। चलो यार आज भाई वीडियो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है एफपीएस और पिंग के वजह से, डबल डबल लैग आ रहा है। तो अगली वीडियो किस पे बनाऊँ? ये मेरे ख्याल है ड्यूलिस्ट में आता है, ये इनिशिएटर में आता है, ये इनिशिएटर है। ठीक है, ये इनिशिएटर है ये। अब बताओ अगली वीडियो ड्यूलिस्ट पे हो या सेंटिनल पे हो, दस्ती फिर उसके हिसाब से मैं बेसिक है जो बेस्ट होगा ना उसके हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो में बहुत खजल खुआरी हो गई है क्योंकि मेरा डिस्कॉर्ड भी ऑन था, वीसी में भी था, रिकॉर्डिंग और थी, मेरे पीसी ने कहा प्लीज मुझे छोड़ दो, तो भाई अब छोड़ देते हैं बेचारे को। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ।